कि कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कंपनी में कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्या स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, क्या सब जन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा कमाते हैं और सारे के सारे लोग ही अमीर बनते हैं, ट्रेडिंग आखिर होते कितने टाइप की है और क्या ट्रेडिंग से सब जन पैसा कमाते हैं। तो हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि ट्रेडिंग कितनी टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसका फायदा किसका नुकसान होता है, क्या ये सच्चाई है। आज तक हमने अपने फैमिली परिवार दुनिया से यही सुना है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, कौन से सेक्टर्स में सट्टा होता है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होती है और बीच में क्या क्या दिक्कतें आती हैं ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में। आज पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस छोटी सी वीडियो में। तो अगर हम सबसे पहली चीज की बात करें जिसे हम कहते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इसके अंदर आपका पैसा 1,000 से 1,00,000 रुपए भी हो सकता है सिर्फ एक ही दिन के अंदर, और आपका पैसा 1,00,000 से 0 भी हो सकता है एक ही दिन के अंदर। अगर हम इसे कहें तो इनडायरेक्टली हम इसको सट्टा भी कह सकते हैं, पर इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, कई चार्ट होते हैं, कई कैंडल्स होते हैं, उसको देखने के बाद आप अपना रिस्क कम कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। कहने का मतलब यही है कि आप अपने हार के चांस कम और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा कर सकते हो। आपको कोई ऐसा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाला ट्रेडर नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं आज इतना कमाता हूँ और मेरा कभी भी लॉस नहीं होता। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस सबका ही होता है, पर कुछ ट्रेडर जो अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं, पूरी की पूरी रिसर्च के साथ ट्रेडिंग करते हैं, वो ज़्यादातर फायदे में ही रहते हैं। दूसरी चीज़ होती है स्कैल्प ट्रेडिंग। स्कैल्प ट्रेडिंग बेसिकली छोटी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस 100 रुपये है। अब मान लीजिए मैंने उसके 500,000 शेयर खरीद लिए 100 रुपये के प्राइस पर और मैंने उसको 101 रुपये पर बेच दिया। यहाँ पर प्रॉफिट तो आपको सिर्फ 1 रुपये का नज़र आ रहा होगा, पर मैंने 500,000 शेयर पर 1-1 रुपये कमाए, यानी कि मैंने कमाए पूरे के पूरे 500,000 रुपये। स्कैल्प ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट तक की ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादा लंबी ट्रेडिंग नहीं करते, क्योंकि क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ज़्यादा प्रॉफिट के साथ साथ ज़्यादा लॉस के भी चांस रहते हैं। यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि 1 रुपया बढ़ेगा तो पूरे 500,000 का प्रॉफिट होगा, अगर 1 रुपया घटेगा तो भी 500,000 का लॉस होगा। स्कैल्प ट्रेडिंग में फ़ायदा नुकसान दोनों ही हैं, पर वही चीज़ है जिसके अंदर रिसर्च करके बैठता है, अच्छी खासी न्यूज़ लेकर पूरी टेक्निकल से लेकर बैठता है, उसके चांस ज़्यादा हाई होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएगा। तीसरी ट्रेडिंग होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपको एक ही दिन का ट्रेड लेना होता है, एक ही दिन में आपको खरीदना है और एक ही दिन में बेचना है, चाहे उसमें आपका फ़ायदा हो रहा हो या आपका लॉस हो रहा हो। इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली ये चीज़ होती है, मैंने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा और एक ही दिन में 100 रुपये से उसका प्राइस 110 रुपये गया, तो मेरा 10 रुपये प्रॉफिट हो गया एक ही दिन में अगर मैं उसे बेच देता हूँ। पर अगर उसका प्राइस 100 रुपये से 90 रुपये गया तो मेरा 10 रुपये का लॉस भी है, एक ही दिन में मेरे को उससे एग्जिट होना पड़ेगा, मुझे उसे बेचना पड़ेगा। मेरा प्रॉफिट हो या लॉस, मेरे को एक दिन में अपनी ट्रेडिंग पोजिशन क्लोज करनी पड़ेगी। इंटरनेट ट्रेडिंग बेसिकली लोगों को बहुत ईजी नज़र आती है, पर ये सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ होती है। इसके अंदर आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं, कब आपको एग्जिट लेनी है और कब एंट्री लेनी है, कब बेचना, कब खरीदना, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना, और बहुत सारी न्यूज़ टेक्निकल्स इंडिकेटर्स पर भी ध्यान रखना पड़ता है। चौथी और पाँचवीं चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो आजकल सबसे ज़्यादा लोगों में ये बहम फैला हुआ है कि बस लॉन्ग टर्म में आंखें बंद करके पैसा लगाओ और भूल जाओ 10-15 साल के लिए, पर ये सच्चाई नहीं है, ये आधी अधूरी सच्चाई है। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। अगर आज से 10 साल पहले आपने यस बैंक के अंदर 3,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी कीमत सिर्फ 13,000 रुपये रह जाती थी। अगर आपने 10 साल पहले रिलायंस कम्युनिकेशन में 7,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी कीमत सिर्फ 20,000 रुपये रह जाती। अगर आपने वोडाफोन आइडिया में आज से 7-8 साल पहले 1,14,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत सिर्फ 9,000 रुपये रह जाती। पर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक बेंजामिन ग्राहम ये बताते हैं कि अगर आपको किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको उसकी पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कंपनी में कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और आप 1,00,000 रुपये मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 2 साल बाद आपका 1,00,000 रुपये 3,00,000 रुपये हो जाता है, मेरी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। फिर मान लीजिए कोरोना का टाइम आ जाता है और बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है और उस टाइम पर मेरी कंपनी का काम चलना एकदम बंद हो जाता है, मैं लोगों को काम पर से निकालता हूँ, मेरी कंपनी में बहुत सारा कर्जा हो जाता है, मैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए मार्केट से पैसा उठाता हूँ, एसेट्स गिरवी रखता हूँ, मेरी कंपनी में जो कैश रखा हुआ है वो खत्म होता जा रहा है, मैं भी घबरा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है मेरी कंपनी से। पर क्या आप उस टाइम पर भरोसा रख पाओगे कि सचिन इस कंपनी को आगे 10 साल तक मेंटेन कर पाएगा? आपको बीच बीच में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कब मेरी कंपनी फायदा कर रही है, कब नुकसान कर रही है, कब मेरी कंपनी में अच्छे एम्प्लॉइज आ रहे हैं, कब अच्छे एम्प्लॉइज जा रहे हैं,
कहीं कोई ऐसा एम्प्लॉई जो हमारी कंपनी में नहीं जुड़ा जिसने पहले कोई चोरी करी हो बड़ी कंपनी में, कोई गलत काम किया हो, कोई फ्रॉड किया हो? क्या आप आंखें बंद करके किसी भी कंपनी में 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे इसी भरोसे के साथ कि कल उसका 1 का 10 बन जाएगा, 10 का 20 बन जाएगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हर 3 महीने में, हर 2 महीने में ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको पूरे के पूरे छानबीन करनी चाहिए। अगर आप 2-3 हज़ार रुपये लगाते हो तो आप आंख बंद करके लगा सकते हो, पर अगर यही कीमत 2-3 करोड़ रुपये में जाएगी या 2-3 लाख रुपये में जाएगी तो आप हर चीज़ की जानकारी लोगे कि पैसा लगाने का मेरे को क्या फ़ायदा है और क्या नहीं। अगर ऐसी ही आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 100 लाइक का। मुझे भरोसा है कि आप लाइक कर दोगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दोगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।